कासगंज सहावर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराली जनों पर दहेज के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि मामला कोतवाली सहावर क्षेत्र के गांव पिथनपुर का है। बताया जाता है कि जनपद एटा के राजा का रामपुर के रहने वाले रमेश ने अपनी पुत्री पूनम की शादी 2 वर्ष पूर्व सहावर कोतवाली क्षेत्र के गांव पिथनपुर के रहने वाले राम निवास से की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली जन मोटरसाइकिल व एक सोने की चैन की मांग कर रहे थे। इसी बीच 10 दिन पूर्व पूनम ने एक बच्ची को जन्म भी दिया था। परिजनों का आरोप है कि इसी के चलते बीते दिवस ससुराली जनों ने पूनम की हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। ज्ञान सिंह, आपके रिश्तेदार की मौत क्या हुआ है? हाँ जी, ये मेरे भाई की साली है और ये लड़की की शादी मेरे भाई ने ही की थी। करीबन 6 महीना पहले इनके ससुर गुजर चुके, 4 साल पहले इसकी सास गुजर गई। वो लड़की इन्हीं के घर पर रहती थी और घर पर रहने के बाद इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिन बाद ही लड़का इनसे मोटरसाइकिल और चैन मांगने लगा, लेकिन इस बात को लेकर के काफ़ी दिन से इनके घर में झगड़ा चल रहा था। तो झगड़ा चलते चलते ये 26 तारीख को ये लड़की 26/10/2020 में ये लड़की ख़त्म हुई है। तो 2 बजे इनके लिए फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी साली गुजर चुकी है। कैसे ख़त्म हुई है, कुछ पता लगा? अभी ये कह रहे हैं कि सर कि हमने मतलब जो है लड़की 8 दिन पहले पैदा हुई है और 8 दिन बाद इसके ब्लीडिंग आई और ब्लीडिंग में लड़की ख़त्म हो गई, ये सर कैसे जायज़ है? आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप ये है कि दहेज के कारण लड़की पे कुछ ऐसा किया गया है जो लड़की ख़त्म हुई है। आपने पुलिस को तहरीर दी है कुछ? बिल्कुल दी है साहब। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है इनकी बाकायदा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।